तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के बारे में होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये जो मैं आज एसएससी जीडी का जो टॉपिक है, ये जो है मैं खास के लिए त्रिपुरा के जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो मैं उन लोगों को आज बताऊँगा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर जाना है, एग्ज़ाम सेंटर कैसे जाएं, और जब वहाँ पर जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में जब आप लोग पहुँचेंगे क्या 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 करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और आप लोगों को पूरा डिटेली दिखा बता दूंगा। और वहाँ पर जो मैं जब जा रहा था तो आप लोगों के लोग कुछ वीडियो क्लिक किया है छोटा मोटा, और देख लीजिएगा, थोड़ा आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा क्या करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है, और एक हाँ, और जब आप लोग का जो एक डाउट रहता होगा क्वेश्चन का, जो रीजन आप लोग का चार सर सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से एक चूज करना है, और मैथ, इनमें से क्वेश्चन का लेवल कैसे है वो भी लास्ट में मैं बता दूंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो से, आई होप। तो वीडियो को स्किप करके देंगे तो थोड़ा बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप लोग का ही थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे तो कुछ नहीं जाता। तो आप लोग को मैं इसलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने तो आप लोग सबको तो पता ही होगा एसएससी, जो एसएससी का एडमिट कार्ड तो रिलीज हो गया है, लेकिन जो ई एडमिट कार्ड है वो बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ बताया जा रहा है आपका कौन सा एक दिन में तीन शिफ्ट होता है, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा शिफ्ट में है। तो आप लोग को पता होगा, जब आप लोग को दिखाया जा रहा है सिर्फ कौन सा सिटी में होगा और कितना बजे होगा वो दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को, तो जब आप लोगों का, जैसे क्या मान लीजिए आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम है या 23 तारीख को या 25 तारीख को, जो भी आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम के चार दिन पहले आप लोगों का जो ई एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का डाउनलोड करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए टेंशन ना लीजिए, एक्टिव हो जाएगा आप लोगों का, बराबर चेक कर दिलमान आपका एग्ज़ाम के चार दिन पहले आप चेक कर लीजिएगा, फिर वही से तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग, जब आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोग को कुछ इस तरह से आप लोग का एडमिट कार्ड रहने वाला है। देखिए, मैंने ये कलरफुल प्रिंट आउट किया है, आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, तो ये देख लीजिए ऐसे रहेंगे। तो आप लोग का जब एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका और एक फॉर्म आप लोगों को प्रिंट आउट करवाना है, वो है, वो आपका नीचे दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें COVID-19 का वो जो एक फॉर्म है उसको आप लोग एडमिट कार्ड के साथ साथ उसको भी प्रिंट आउट कर लेना है। तो उसको जो है आप लोग फिलअप करके, या घर से भी फिलअप कर सकते हैं, या आप वहाँ सेंटर में जाके भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको वहाँ से आप लोगों को जब वो ले लेंगे तो आप लोग वहाँ पर और एक नोटिस दिया होगा, आप लोग जब सेंटर में जाएंगे क्या क्या ले जाना चाहिए तो बता देता हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का ज़रूरी होगा एक मास्क, ज़रूरी होगा मास्क तो होना ही पड़ेगा, और आप लोगों के साथ साथ में आप लोग का एक सैनिटाइज बॉटल होना चाहिए छोटा सा। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, मेरा 13 तारीख को एडमिट कार्ड आया था, ठीक है, मेरा 17 तारीख को एग्ज़ाम था, यानी कि मेरा आज एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं वही आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने सैनिटाइज एक लेके गया था, लेकिन उतना उसमें मतलब इतना चेक नहीं करते सैनिटाइज, आप लोग ले जाओ या ना ले जाओ कोई आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, तो आप लोगों का मर्ज़ी। क्योंकि मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जो एडमिट कार्ड के साथ जो नीचे दिया है कंडीशन उसमें लिखा हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर भी आप लोगों को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो सकते हैं, हम लोग के साथ नहीं हुआ आप लोग के साथ हो जाए तो लेके जाइए आप लोग के सेफ्टी के लिए। तो ये हो गया क्या क्या ले जाना चाहिए, और अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, इतना वो बड़ा बड़ा फाइल कुछ लेके नहीं जाना है, बस आप लोगों का एक एडमिट कार्ड का जेरोक्स होना चाहिए, और एक COVID-19 का फॉर्म का एक जेरोक्स होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड में पूरा डेट ऑफ बर्थ दिया, जैसे कि कौन सा डे में आया, डे, मंथ और ईयर दिया हुआ है, तो आपका खाली आधार कार्ड ओरिजिनल से ही काम चल जाएगा, और आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, उसी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड में ओनली कौन सा ईयर में हुआ है
तो आप लोग के साथ उसके साथ साथ और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे अभी कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाए, तो अभी मैं चिंता मत को भी बता रहे हम। तो आपके साथ आपको लोगों को उसके साथ साथ आपको एक एक क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट ले जाना, मैं आपको बता देता हूँ सुनिए। एक आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, एक आप लोगों का वोटर आईडी चलेगा, एक और आप लोगों का पैन कार्ड, और आप लोग का जो हाई स्कूल का एडमिट कार्ड भी चल जाएगा। लेकिन आप लोग का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल लेके नहीं जाना है, क्योंकि एक एक कैंडिडेट ने लेके गया था बर्थ सर्टिफिकेट, और तो उन लोग को क्या कर दिया गया, उन लोग को बाहर कर दिया। उन लोग को बोला आधार कार्ड लेके आओ, या तो कोई जो मैंने आप लोग का अभी डॉक्यूमेंट बताया उनमें से एक लेके आओ, बोला दो, ठीक है। तो इसलिए वो गलती ना करे। इसके बाद क्या होगा, आप लोग जब आप लोग जो भी त्रिपुरा से है कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जब आप लोग आएंगे अगरतला पे, तो आप लोग का मुझे तो लगता है सबका एक ही सेंटर होगा, क्योंकि जहाँ पर मेरा हुआ था आप लोग का भी वहीं पर होगा, सब ऑल त्रिपुरा का शायद वहीं पर ही होगा। तो मेरा जो सेंटर हुआ था वो है साहा बिल्डिंग नियर बाय जोगेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, आप लोग का भी वहीं पर ही होने वाला है। तो आप लोग त्रिपुरा से कोई भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो आप सबको आएंगे कहीं पे भी आए तो आप लोग को जाना है, सबसे पहले आप लोग को जाना है मोटर स्टैंड। मोटर स्टैंड जाने के बाद आप लोग को वहाँ पर बोलना है साहा बिल्डिंग में जाना है, साहा बिल्डिंग बोलना है, ठीक है। तो लोगों को पता चल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले जाएगा। तो आप लोग को एक बात बता देता हूँ, आप लोग को वहाँ पर जाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा लगता है 20 रुपीज़ लगता है, 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर कोई आप लोगों से 20 रुपीज़ से ज़्यादा मांगे तो आपको ठोक रहा है, ठग रहा है, तो उसमें ना जाए, ठीक है। तो जब वहाँ पर जाएंगे आप लोग, जैसे सेंटर में आप लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को जैसे तो उसमें एक जब आपका टाइमिंग दिया होगा कितना बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है सेंटर पे। मुझे दिया गया था 2:30 बजे पहुँचने का, लेकिन मैंने वहाँ पर 2 बजे पहुँच गया था, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना था। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, क्योंकि वहाँ पर जो चेकिंग वेकिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, खड़ा करवाते ना, तो आप लोग को टाइम लगे नहीं, जल्दी जाने का जितना जल्दी हो सके प्रयास करें, थोड़ा 10-15 मिनट में पहले पहुँच जाएंगे भी कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जाइएगा आप लोग, जल्दी पहुंचने का प्रयास करिएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाने के बाद आप लोग का गेट, जब आप जो दूसरे शिप का जो जो भी आप लोग फर्स्ट शिप सेकेंड शिप जो भी हो, तो उस शिप ख़त्म होने के बाद आप लोग का इधर गेट एक खोल देगा। गेट खोलने के बाद आप लोग उधर से एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा, आप लोग का जो दूर दूर से आते हैं ना कुछ लोग, तो लोग के बैग बैग लेके आते हैं तमाम बैग, तो लोग के लिए एक बोलेगा फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए बोलेगा सिक्योरिटी लोग, ठीक है। तो आप लोग को फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पर भी लाइन लगा रहता है, बहुत बहुत बंद बहुत कैंडिडेट लोग हैं, तो उन लोग वहाँ पर भी लाइन लगा रहते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग को बैग रखने के लिए 10 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है 10 रुपया देंगे तो आप लोग को ऐसा क्या स्टिकर आपका बैग में एक लगाया लगा के देगा, आपका हाथ में या कहीं पर भी लगा के एक देगा, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ पर जाके बैग को रखना है, और एक एग्ज़ाम देते वक्त आप लोग को क्या क्या लेके नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। पेन तो बिल्कुल लेके नहीं जाए घर से भी, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं, एग्जाम सेंटर में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को और जो आप लोग जो है ना ज़्यादातर ट्राई करिए कि थोड़ा टाइट पैंट पहन के जाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़ा लूज पैंट पहन के जाते हैं तो बेल लगा के जाते हैं, तो आप लोग को वहाँ पर बेल भी खोल के रखना पड़ेगा, तो आपका पैन गिर जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करिए कि टाइट पैंट पहन के जाने के लिए, तो वहाँ पर बेल अलाउ नहीं है, फर्स भी अलाउ नहीं है, गरीबी अलाउ नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलाउ नहीं है। खाली आपको जाना है एडमिट कार्ड, कोरोना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, और आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए बस, और फोटो फोटो एक कॉपी से भी, वहाँ एडमिट कार्ड में 2 लिखा है लेकिन एक ही कॉपी काम आता है, ठीक है, एक ही कॉपी से हो जाएगा। आप लोग अगर 2 फोटो भी ले जाए कोई बात नहीं, अगर दो फोटो एक फोटो है उसमें कोई मामला नहीं, वो भी हो जाएगा। तो आपको वही वही जो अभी डॉक्यूमेंट बताया वही से निकाल वही ले जाना है बस, और कुछ लेके नहीं जाना। इसके बाद आपको आ जाना है नीचे में, आपको एक रूम पे लाइन लगा के रहेगा, एक साइड में लड़की का लाइन रहेगा, एक साइड में आप लोग लड़का लोग का लाइन रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर सब लोग आने के बाद फिर वहाँ से 2 या 3 लोग आके आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक करेगा। सबसे ज़्यादा चेक करेंगे आपका आपका जो एडमिट कार्ड में नाम दिया है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो सबसे पहले चेक करेंगे, और आपका जो आधार कार्ड और जो और एक आप लोग जो डॉक्यूमेंट दोगे तो उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा। अगर उसमें थोड़ा भी गलत मिला तो आप लोग को बाहर कर देंगे, ठीक है, एग्जाम भी देने नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा। तो देख के ले जाइए, जो उसमें जिस डॉक्यूमेंट में सही हो नाम और डेट ऑफ बर्थ वो लेके जाइए। तो जब वहाँ से आप लोग का चेकिंग पूरा हो जाएगा, आप सब सही है, तो आपको ऊपर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर एक सिक्योरिटी रहेगा, तो सिक्योरिटी आपको बोलेगा आपका फर्स्ट फ्लोर में है, ये सॉरी सेकंड फ्लोर में है या थर्ड फ्लोर में एग्जाम, ठीक है। तो थर्ड फ्लोर तो थर्ड और
टू सेकंड फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर, ठीक है। तब आपका जाएंगे जिस पे फ्लोर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर फिर से एक लाइन लगा के रहेगा। उस लाइन पे आपको लाइन लगाने के बाद फिर एक एक दो तीन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अंदर, जो कंप्यूटर लैब में जहाँ पर आप लोग का एग्जाम होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जाने के बाद आप लोगों का होगा वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होगा कैसे होगा, पहले आप लोग का एक फ़ोटो लिया जाएगा। फोटो लेने के बाद आपका लेफ्ट हैंड का फिंगरप्रिंट लेगा, ठीक है। इसका लेने के बाद आपको एस आर कैप कोड दे देगा, दिखाता हूँ मैं, रुकिए। एस आर कैप कोड देगा, मेरा है C083, ठीक है। ऐसा कि आप लोग का एक कोड दिया जाएगा, तो कोड के हिसाब से आप लोग का जो कंप्यूटर लाइन लाइन करके लगा रहता है वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे कि मेरा था C083, तो यहाँ पर लिखा था C083, तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया, ठीक है। तो वहाँ पर बैठने के बाद हम लोग को कंप्यूटर तो खुला ही रहेगा लेकिन उसका बंद हो जाता है, तो इसके माउस ही रहेगा, माउस हिला देना ऑन हो जाएगा। तो आपका जो कीबोर्ड है वहाँ पर कीबोर्ड का कोई यूज़ नहीं करना है, ठीक है, किसी काम का नहीं है। तो आप लोग वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को लॉन्च लिखा रहेगा, उस लॉन्च पे क्लिक कर देना है। इसका लॉन्च होने के बाद आपका एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपका एक पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, उसमें जो आईडी नंबर ऑलरेडी डाला रहेगा पहले से ही, तो आपको डालना है सिर्फ पासवर्ड। तो पासवर्ड आप लोग का कहाँ से मिलेगा, तो पासवर्ड आप लोग का मिलेगा, चिंता ना करें, आप लोग का जो एडमिट कार्ड लेके गए हैं वो एडमिट कार्ड में मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वो डायरेक्ट रोल नंबर के नीचे होगा, देख लीजिए, दिखने रहिए है ये, ठीक है। तो इसे आके एक पासपोर्ट आप लोग को यहाँ पर मिला रहेगा, वो डाल देना, इसका खुल जाएगा। तो वहाँ पर जाने से आप लोग को एक, जब आप उस आप लोग का सीट में बैठ जाएंगे तो आप लोग का एक और रहेगा, आप लोग का आके एक देगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो वहाँ के एग्ज़ाम का जो रकौली करते हैं, देखते जो आप लोग को समझाएगा, वो लोग आप लोग एक छोटा सा एडमिट कार्ड तरह ही है वो देगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें आपको सिग्नेचर आपका एक करना है, आपका माता जी का नाम लिखना है, और आपका ये लेफ्ट हैंड का ये थंब लेगा, फिर पीछे मोड़ना, फिर इधर आपका एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद फिर इधर एक सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद इसमें एक चीज़ एक उसमें लिखने के लिए बोलेगा आपका, जब वो मैं बोला था ना पासवर्ड डालने का, आपका लैपटॉप खुल जाएगा, आपका प्रोफाइल एक साइड में आपका फोटो रहेगा जो एडमिट कार्ड में लगाया था, और जो अभी वेरिफिकेशन करते वक्त लिया था वो प्रेजेंट फोटो रहेगा, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन एक रहेगा, वो वहाँ पर बता देगा, चिंता ना करें, वहाँ पर एक बता देगा। तो आपको पीछे वो छोटा सा एडमिट कार्ड में लिख देना, ठीक है। और लिखने के बाद आपका नीचे दिया होगा इंग्लिश या हिंदी। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं एग्ज़ाम या क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश से दे सकते हैं। इसके बाद आपका आपको कुछ नहीं करना है, इसका वेट करना है, आपका कितना बजे एग्जाम है वो तब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अनाउंस भी कर देगा, हाँ आप लोग तो अभी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जब आप लोग का एग्ज़ाम वो लोग अनाउंस कर देगा माइक से, तो आप लोग का एग्ज़ाम कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आप लोग का एक साइड में आपका उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा 90 मिनट का। तो जैसे वो 90 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम खत्म। हाँ, और जो छोटा सा एडमिट कार्ड बोला था ना वहाँ पर ही फ़ोटो जरूर होता है, और कहीं पर भी फ़ोटो जरूर नहीं, वहाँ पर एक फ़ोटो आपका चाहिए। तो आप लोग का सब चार एग्ज़ाम होगा, ये चार सब्जेक्ट, फर्स्ट रीजनिंग आएगा, फिर जीके आएगा, फिर मैट आएगा, फिर इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कर सकते हैं आप, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। तो मैं आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जितना भी पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे इस साल का जो एग्ज़ाम है थोड़ा टफ हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सबसे पहले रीजनिंग, और मैं तो हिंदी से दिया है, तो रीजनिंग और हिंदी थोड़ा मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन पेपर है, फिर भी थोड़ा इजी है मैट और जीके से देख के। तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़े जीके और मैट, इस दोनों में थोड़ा ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, ताकि आप लोग का नंबर आ सके, क्योंकि यही दोनों थोड़ा टफ है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, जीके का जो क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है जीके का, मैंने आप लोग सोच रहे होंगे जो पुराने ज़माने का जो इतना सारा इतिहास और सब आएगा, लेकिन फिर आया है, बट इतना ज़्यादा नहीं आया, कम आया। जैसे कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन से मान लो 7-8 ऐसे ही आया है लगभग पुराने ज़माने का, और ज़्यादातर नया ज़माने का ही आया, जैसे 2000 से लेकर 2021 के बीच में क्या हुआ ये सब के बारे इसके बीच में ही आया है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया, तो ये सब थोड़ा तैयारी करिए आप लोग जीके अच्छे से। इसके बाद क्या होता है, जब आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा
वहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम देते वक्त आप लोग सोच रहे होंगे पेन फेन बोला था देंगे, वहाँ पर आप लोगों को पेन देंगे और एक रफ कॉपी भी देंगे, रफ पेपर देंगे वहाँ पर मैट सॉल्व करने के लिए आपको। लेकिन आते वक्त वो पेन और जो रफ पेपर है आप लोगों को लेके नहीं आना, वहीं पर ही छोड़ देना है, ठीक है। तो आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोगों का एक फिर से सेकेंड वेरीफिकेशन होगा, और वेरीफिकेशन होगा आप लोगों का जब आप लोग फिर से लाइन लगाना जाके, तो वहाँ पर आपका फिर से सेकंड वेरीफिकेशन में एक फ़ोटो ले आ जाएगा, फिर से थंब ये फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, फिर आप लोग का ये दे देगा, ये राइट का निशान दे देगा। इसके बाद फिर से अपना जगह में आके बैठ जाना, जब सबका वेरीफिकेशन हो जाएगा तो आप लोग को बाहर किया जाएगा, ठीक है। बाहर जाने के बाद आप लोग को कहाँ जाना है, जिनका जिनका भी बैग रखा हुआ है आपका, जो ये सब वाला जो एक नंबर दिया गया है ये नंबर हाट पे जाके दिखा देना है, सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी को दिखा देना है, इसका दो जाके बैग ले लेना आपका, इसके बाद ख़त्म। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ वीडियो क्लिक भी किया हूँ, और लास्ट तक देखिएगा, मैं वो लास्ट तक वीडियो देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और जो भी नया कैंडिडेट यहाँ पर जो भी नया बंदा है आया है मेरा चैनल पे, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ, जो हम लोगों का SSC GD का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मैं देने जा रहा हूँ, वो मेरा होने वाला है जोगेंद्र नगर में होने वाला है, साहा बिल्डिंग में। तो अभी मैं जो है अभी जाने वाला हूँ, अभी हम लोग मुझे जो गाड़ी मिलने वाला है मुझे मिलेगा वो मोटर स्टेशन मिलेगा, अभी काफ़ी दूर, अभी मैं घर से बाहर हुआ हूँ तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ठीक है आप लोग। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोटर स्टैंड से मिलेगा मुझे गाड़ी, जो जोगेंद्र नगर जहाँ पर मुझे सेंटर का गाड़ी मिलेगा आप लोग। फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया है मोटर स्टैंड पे, तो आप लोगों को मोटर स्टैंड पे आके यहाँ पर उतरना है, तो यहाँ पर उतर के आप लोगों को बोलना है जोगेंद्र नगर साहा बिल्डिंग जहाँ पर आप लोगों का सेंटर पड़ेगा, जिसका भी जोगेंद्र नगर पे पड़ा है तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मोटर स्टैंड है, मोटर स्टैंड में आप लोग आके बोल सकते हैं जोगेंद्र नगर साहा बिल्डिंग, तो आप लोगों को वहाँ पर पहुँचा देगा। तो यहीं से हम लोग का भी गाड़ी पकड़ते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, मैं पूछ के देखता हूँ। तो जो भी नया बंद है यहाँ पर आ सकते, यहाँ पर आके डायरेक्ट बोलना है जोगेंद्र नगर साहा बिल्डिंग, तो आप लोग को मिलेगा इधर गाड़ी, तो यहाँ पर आके आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यार अभी साहा बिल्डिंग हम लोग जाएंगे, जोगेंद्र नगर साहा बिल्डिंग हम लोग का एग्जाम सेंटर है, तो हम लोग को मुझे अभी जाते जाते दो फ्रेंड मिले, लोग का भी एग्जाम है, देख लीजिए, हाय बोल दीजिए। तो हम लोग तीन लोग जा रहे हैं, दो दोस्त मिल गए। आप लोग को जो भी यहाँ पर नया बंदा है आप लोग को मोटर स्टैंड आना है, और मोटर स्टैंड आके बोलना है साहा बिल्डिंग जोगेंद्र नगर, या जोगेंद्र भी बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट बोल देना है साहा बिल्डिंग, तो आप लोग को पहुँचा देगा। तो वहाँ पर जाके आप लोग को मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा, तो देखिए बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं यहां पर, आप लोगों का जो है होने वाला है एग्ज़ाम, जो कि SSC का, आप लोगों को जब साहा बिल्डिंग बोलेंगे तो आप लोगों को यहां पहुंचा देगा। तो अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट लोग आया एग्ज़ाम देने के लिए, जिसका भी एग्ज़ाम होगा तो यहां पर बहुत सब लोग आ चुका है। तो अभी मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं थोड़ा, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या ले आना पड़ेगा। तो बेसिकली आप लोग को नोटिफिकेशन में जो दिया आप लोग उसी का फॉलो कर लीजिए, जैसे कि आप लोग ले आएगा, जैसे मार्क्स ले आएगा, सैनिटाइज ले आएगा आप लोग का हिसाब से, और जो भी चाहिए। अभी तो यहाँ पर 2:30 से लगभग एंट्री होगा, तो तब तक जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में अभी पहुँच तो पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा लोग देख लीजिए मैं बेगा, और जो सामने मेरा पीछे बिल्डिंग देख रहा है वही है साहा बिल्डिंग, वहीं पर एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी अभी 2:00 एंट्री होगा मेरे हिसाब से, जितना टाइम जो क्या बोलते हैं मेरा तो टास्क शीट है, 4:00 एग्ज़ाम होगा, तो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड में जो लिखा था उसी के हिसाब से आया हूँ। एडमिट कार्ड में लिखा था 2:30 पहुँचना है बोल के, तो मैं पहुँच गया, 10-15 मिनट पहले ही पहुँच गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम है